दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना को हराकर भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले ज़रूर से उस वीडियो को देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बाद की कहानी जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिकंदर के भारत से लौटने के बाद बेबीलोन पर्शिया आज के ईरान में जहर के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। इतिहास का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि सिकंदर को जहर देने का काम चाणक्य ने ही किया था, क्योंकि चाणक्य जहर विद्या में बहुत ही निपुण थे और उनकी सबसे खतरनाक हथियार थी विषकन्याएं। विषकन्याएं खूबसूरत लड़कियाँ होती थी जिन्हें चाणक्य बचपन से ही उनके खाने में नमक की मात्रा कम करके उन्हें थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, जिसके बाद वो उन्हें विषकन्या बना दिया करते थे। और ये विषकन्याएं बहुत ही खतरनाक होती थी। इन विषकन्याओं ने ही सिकंदर की सेना के कई लोगों को चूमकर ही उन्हें समाप्त कर दिया था, जिसके बाद सिकंदर को भी इन्हीं विषकन्याओं ने मारा था। लेकिन हमें इतिहास में इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। इस बात को लेकर कई सारे इतिहासकारों की अपनी अलग अलग मान्यताएँ हैं। आपका इस बात पर क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सिकंदर की मृत्यु के बाद अब चाणक्य और चंद्रगुप्त की नज़र मगध में धनानंद को हराने की थी, जिसमें चाणक्य को धनानंद द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला लेना था और बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र बनाकर अखंड भारत का एक राजा बनाना था। और चंद्रगुप्त को लेकर इतिहास में ये माना जाता है कि धनानंद ने इनके पिता की हत्या की थी और इनकी माताजी, जिनका नाम था मूरा, जिससे आगे चलकर चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा, वो धनानंद के महल में एक दासी थी। क्योंकि हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी सिर्फ पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख और कथाओं से ही मिलती है, इसीलिए आपको YouTube पर इनके बारे में कई वीडियोस में अलग अलग कहानी सुनने को मिलता होगा। आपका इस बात पर क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब धनानंद से दुश्मनी चंद्रगुप्त मौर्य की भी थी उनके पिता को लेकर, और धनानंद से दुश्मनी चाणक्य को भी थी अपनी बेइज्जती को लेकर। और धनानंद को खुद उसकी मगध की प्रजा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि धनानंद हमेशा ही शराब और अहंकार के नशे में डूबा रहता था और अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। और अब सिकंदर को हराने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में चाणक्य और चंद्रगुप्त को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई और एक घर के सामने जाकर छुप गए। घर के अंदर माँ कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेकर, और बच्चा जैसे ही उस गरम-गरम खाने में हाथ डालकर खाने लगा तो उसका हाथ जल गया। और तभी माँ उस पर चिल्लाई और कहा कि तू तो चाणक्य की तरह मूर्ख है, खाने के बीच में हाथ डालोगे तो हाथ जल ही जाएगा, परिधि से कोने कोने से खाओ ठंडा करके, कोने कोने से खाओ के हाथ नहीं जलेगा, बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके मगध के बीच में झगड़ा कर लिया था, उन्हें पहले बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। ये बात सुनते ही चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पैर छुए और कहा कि माई, तुमने आज मुझे एक नई बड़ी शिक्षा दी है। जिसके बाद चाणक्य ने मगध में नंदा डायनेस्टी के बाहरी घेरे में जिन जिन राज्यों पर उसकी सबसे कमज़ोर पकड़ थी वहीं पर उन्होंने हमला करना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने कई अन्य राज्य के राजाओं, जिसमें पोरस और कुछ यूनानी नौसैनिक भी शामिल थे, उन्होंने उन सभी को अपनी सेना में मिलाकर एक विशाल सेना तैयार किया। जिसके बाद खुद धनानंद की बेटी दुर्धरा ने भी चाणक्य और चंद्रगुप्त का साथ दिया और उन्हें महल के गुप्त रास्ते के बारे में बताया जो सीधे महल के अंदर जाता था। जिसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण करके पूरी नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के ख़त्म कर दिया और वहां मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इसी समय के दौरान सिकंदर की मृत्यु के बाद वहां के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को अब वहां का नया राजा बना दिया गया था। और सेल्यूकस निकेटर ये भली बात ही जानता था कि भारत में कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
और इसीलिए वो अपनी सेना के साथ पूरे मध्य एशिया को रौंदता हुआ अब भारत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कैसे इसका सामना किया, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।